Hello friends, welcome to Visual Vocabulary for Smart Students brought to you by Mahindra Guru, the Brahmaster of Success. Today we are going to present the Super 30 edition of Visual Vocabulary. जी हाँ, आज हम आपके सामने पेश करेंगे Super 30 edition हमारे इस Visual Vocabulary का, जिसमें कि 30 ऐसे words होंगे जो आपके लिए बहुत important है और examination में जरूर आ सकते हैं. लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं जो हमारा previous vocab challenge था वो क्या था. देखिए, ये रहा हमारा प्रीवियस वोकैब चैलेंज. यहां पर जो वर्ड था वो था बिजार, जो कि एक एडजेक्टिव था जिसका मीनिंग वेरी स्ट्रेंज लुकिंग या फिर अजीब था. इसके दो सिनोनिम्स दिए हुए थे और सॉरी, इसके एक सिनोनिम और एक एंटोनिम मिसिंग था और हमने आपसे पूछा था ये क्या होगा. देखिए, जो इसके उत्तर है और जो वोकैब चैंपियन है वो ये रहे. देखिए, ये हमारे पहले वोकैब चैंपियन है. सबसे पहले हमारे जो मिस्टर कुमार शशांक जी है, इनको हमारी पूरी टीम से बहुत बहुत बधाई. अच्छा, देखिए, इनके अलावा दो और वो क्या चैंपियंस है और उनसे हम लोग मिलेंगे हमारे आज के इस प्रेजेंटेशन के दौरान. ओके, अब देखिए, जो सही सिनोनिम था जो कि मिसिंग था वो है ग्रोटेस्क्यू और जो सही एंटोनिम जो कि मिसिंग था वो था नेचुरल. तो आइए चलते हैं हमारे आज के पहले शब्द की ओर. देखिए, ये रहा हमारा पहला शब्द, ये है ईगरनेस. ईगरनेस एक नाउन है या फिर हिंदी में कहें तो संज्ञा है. इसका अर्थ है एंथुजियाज्म या फिर उत्सुकता. जो ईगरनेस है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? उत्सुकता. द सिनोनिम्स आर लॉन्गिंग और यर्निंग, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं वो है लॉन्गिंग या फिर यर्निंग. द एंटोनिम्स आर अपैथी और रिलक्टेंस, यानी जो इसके विलोम शब्द हैं वो है अपैथी या फिर रिलक्टेंस. अब देखिए, यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इसके संदर्भ में हमने यहां पर लिखा हुआ है His blank space to top the nursery exam made him pray. यानी कि इस बच्चे के संदर्भ में आप बोल रहे हैं कि इस बच्चे की उत्सुकता इतनी थी नर्सरी एग्जाम को टॉप करने की, जिसकी वजह से ये प्रार्थना करने में या प्रे करने में लग गया. तो बताइए, यहां पर शब्द कौन सा चाहिए फिल्म में? जी हाँ, ईगरनेस. तो वहां वाक्य क्या हो जाएगा? His eagerness to top the nursery exam made him pray. आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर. देखिए, ये रहा अगला शब्द, ये है arduous. जो arduous होता है, देखिए, ये एक adjective है. इसका अर्थ है difficult या फिर कठिन. जो arduous है ये एक adjective है, इसका अर्थ क्या है? difficult या फिर कठिन. The synonyms are onerous या फिर uphill, यानी जो इसके जो पर्यायवाची है वो है onerous या फिर uphill. अब देखिए, जो इसके antonyms है वो है effortless या फिर pleasant, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है effortless या फिर pleasant. अब देखिए, यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहां पर वाक्य लिखा हुआ है फिलर के फॉर्म में. मेनी ब्लैंक स्पेस टास्क्स हैव बीन मेड इजी बाय मशीन, यानी कि जो मशीन्स हैं उनकी वजह से बहुत सारे मुश्किल कार्य क्या हो गए हैं? आसान हो गए हैं. हम यहां पर यह कहना चाह रहे हैं, बताइए यहां पर फिलर में कौन सा वर्ड आना चाहिए? जी हाँ, arduous. तो वाक्य क्या हो जाएगा? Many arduous tasks have been made easy by machines. आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर. देखिए, ये रहा हमारा अगला शब्द, ये है fanatic. Fanatic एक noun या फिर एक संज्ञा है. इसका अर्थ है an over enthusiastic person या फिर कट्टर. तो जो fanatic है, देखिए, ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? कट्टर. The synonyms are bigot या फिर radical, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है वो है bigot या फिर radical. The antonyms are liberal या फिर moderate, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है वो है लिबरल या फिर मॉडरेट. अब देखिए, यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में आपने लिखा हुआ है दिस ब्लैंक स्पेस टेररिस्ट विल बी ब्रॉट टू बुक वेरी सून, यानी कि ये जो भाई साहब आपको दिख रहे हैं, ये जो कट्टर आतंकवादी किस्म के जो भाई साहब है, इनको बहुत ही जल्द लाया जाएगा न्याय की तालिका में. बेसिकली यानी कि इनको विल बी ब्रॉट टू बुक, यानी कि कोर्ट इन जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत जल्दी इनसे डील करेगा. अच्छा, बताइए यहां पर ब्लैंक स्पेस में वर्ड कौन सा होना चाहिए? फनेटिक. यस, तो वाक्य क्या हो जाएगा? दिस फनेटिक टेररिस्ट विल बी ब्रॉट टू बुक वेरी सून. आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर. देखिए, ये रहा हमारा अगला शब्द, ये है पिनाकल. पिनाकल एक नाउन या फिर एक संज्ञा है. इसका अर्थ है टॉप या फिर शिखर, यानी जो पिनाकल है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? शिखर. द सिनोनिम्स आर एपेक्स और जेनिथ, यानी जो इसके पर्यायवाची है वो है एपेक्स या फिर जेनिथ. The antonyms are nadir या फिर base, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है nadir या फिर base. अब देखिए, यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहां पर लिखा हुआ है The climbers reached the blank space of the mountain. The climbers reached the blank space of the mountain. कहना ये चाह रहे हैं कि जो ये पर्वतारोही है ये पर्वत के शिखर पे क्या हो गए?
बस ये पहुंच गए पर्वत के शिखर पर। तो बताइए यहां पर शब्द कौन सा रहना चाहिए आप ब्लैंक स्पेस में? पिनाकल। तो वाक्य क्या हो जाएगा? द क्लाइंबर्स रीच द पिनाकल ऑफ द माउंटेन। आइए चलते हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा हमारा अगला शब्द, ये है डेट्रीमेंट। जो डेट्रीमेंट है देखिए ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है डिसएडवांटेज या फिर हानि। तो जो डेट्रीमेंट है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? हानि। तो सिनोनिम्स आर लायबिलिटी और ड्रॉबैक, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है वो है लायबिलिटी या फिर ड्रॉबैक। अब देखिए आपको यहां एंटोनिम्स दिख रहे होंगे इसके, ये है बून या फिर गेन, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है बून या फिर गेन। अब देखिए यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में यहां पर लिखा हुआ है द कमांडर एक्सप्लेन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द प्लान टू एवरीवन इन अ जॉली वे। यानी जो कमांडर है उन्होंने हर किसी को समझाया कि क्या हानियां है प्लान की, और एक अच्छे और कैसे क्या कि मजाकिया अंदाज से समझाया। तो बताइए यहां पर ब्लैंक स्पेस में कौन सा वर्ड आना चाहिए? डेट्रीमेंट। जी हाँ, वाक्य क्या हो जाएगा? द कमांडर एक्सप्लेन द डेट्रीमेंट ऑफ द प्लान टू एवरीवन इन अ जॉली वे। आइए चलते हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए ये हमारा अगला शब्द, ये है जेस्ट। जेस्ट एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है स्पाइस या फिर चटपटापन। जो जेस्ट है ये एक नाउन या संज्ञा है, उसका अर्थ क्या है? चटपटापन। सिनोनिम्स आर सीजनिंग या फिर फ्लेवरिंग, यानी जो इसके पर्यायवाची है वो है सीजनिंग या फिर फ्लेवरिंग। द एंटोनिम्स आर इनडिफरेंस और लेथार्जी, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है इनडिफरेंस या फिर लेथार्जी। अब यहां पर आपको देखिए एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहां पर दिखा हुआ है फिलर फॉर्म में दे, यानी कि ये जो लोग आपको दिख रहे हैं दे ब्लैंक स्पेस देयर लाइफ बाय गोइंग ऑन अ फैमिली वेकेशन एवरी ईयर। यानी कि ये अपने लाइफ में थोड़ा स्वाद लाते हैं, थोड़ा चटपटापन लाते हैं, किस तरह से ये फैमिली वेकेशन पर जाकर अपनी लाइफ को वापस डिस्टर्ब करते हैं या भी कह सकते हैं आप चटपटा कर लेते हैं। तो यहां पर शब्द कौन सा चाहिए यहां पर फिलर में? इट शुड बी जेस्ट। यस, तो वाक्य क्या हो जाएगा? दे जेस्ट देयर लाइफ बाय गोइंग ऑन अ फैमिली वेकेशन एवरी ईयर। आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए ये हमारा अगला शब्द, ये है वेवर्ड। जो वेवर्ड है ये एक एडजेक्टिव है या फिर कह सकते हैं विशेषण है, जिसका अर्थ है कॉन्ट्ररी या फिर अवज्ञाकारी। तो जो वेवर्ड है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है? अवज्ञाकारी। सिनोनिम्स आर डेलिंक्वेंट या फिर कैप्रिशियस, यानी जो इसके पर्यायवाची है वो है डेलिंक्वेंट या फिर कैप्रिशियस। द एंटोनिम्स आर कंप्लायंट या फिर ओबीडियंट, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है कंप्लायंट या फिर ओबीडियंट। अब यहां पर आपको देखिए एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहां पर लिखा हुआ है द ब्लैंक स्पेस स्टूडेंट्स डिस्टर्ब एवरीवन, यानी कि जो अवज्ञाकारी शिष्य होते हैं वो हर किसी को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो बताइए यहां पर शब्द कौन सा आना चाहिए फिल्म में? वेवर्ड। तो वाक्य क्या हो जाएगा? द वेवर्ड स्टूडेंट्स डिस्टर्ब एवरीवन। आइए चलते हैं हमारे आज के अगले शब्द की ओर। देखिए अगला शब्द यह है गेप। जो गेप है ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका अर्थ है स्टेयर या फिर घूरना। तो जो गेप है ये एक क्रिया है, इसका अर्थ क्या है? घूरना। द सिनोनिम्स आर ग्लेयर या फिर ऑगल, यानी जिसके पर्यायवाची है वो है ग्लेयर या फिर ऑगल। द एंटोनिम्स आर इग्नोर और ओवरलुक, यानी कि जो उसके विलोम शब्द है वो है इग्नोर या फिर ओवरलुक। अब देखिए यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहां पर लिखा हुआ है द वोमन केप्ट ब्लैंक स्पेस एट द वॉल, यानी कि हम कहना यह चाह रहे हैं कि ये जो आपको महिला दिख रही है ये घूरती ही रह गई दीवार पे, दीवार को इनफैक्ट। तो बताइए यहां पर फिलर में कौन सा वर्ड आना चाहिए? गेप। अब देखिए यहां पर सेंटेंस क्या हो जाएगा? द वोमन केप्ट गेपिंग एट द वॉल। आइए चलते हैं हमारे आज के अगले शब्द की ओर। देखिए ये हमारा आज का अगले शब्द, ये है पाइन। पाइन एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका अर्थ है लॉन्ग फॉर या फिर तड़पना। तो जो पाइन है ये एक क्रिया है, इसका अर्थ क्या है? तड़पना। द सिनोनिम्स आर क्रेव या फिर हैंकर, यानी जो इसके कह सकते हैं पर्यायवाची है वो है क्रेव या फिर हैंकर। द एंटोनिम्स आर डिसलाइक या फिर डिस्पाइस, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है डिसलाइक या फिर डिस्पाइस। अब देखिए यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में यहां पर लिखा हुआ है द नेस्टलिंग्स वर ब्लैंक स्पेस फॉर फूड, यानी कि ये जो आपको बच्चे दिख रहे हैं यहां पर, जैसे हम बोल सकते हैं कि चूहे जो दिख रहे होंगे आपको यहां पे, वो तड़प रहे थे खाना खाने के लिए। तो बताइए यहां पर वाक्य में कौन सा वर्ड आना चाहिए ब्लैंक स्पेस में? पाइन। अब देखिए तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? द नेस्टलिंग्स वर पाइनिंग फॉर फूड, यहां पर वाक्य को देखते हुए वर पाइनिंग फॉर फूड, यानी कि वो तड़प रहे थे खाना खाने के लिए। आइए चलते हैं आज के हमारे दसवें वर्ड की ओर। देखिए ये हमारा टेंथ वर्ड, ये जो टेंथ वर्ड है ये है मफल्ड।
मफल्ड एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है क्वाइटेंट या फिर दबा हुआ। तो जो मफल्ड है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है? दबा हुआ। The synonyms are silenced या फिर subdued, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं वो है silenced या फिर subdued। अब देखिए यहाँ पर आपको एक antonym दिख रहे होंगे, वो है encouraged या फिर promoted, यानी जो इसके विलोम शब्द हैं वो है encouraged या फिर promoted। अब ये रही एक इमेज, और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पर फिलर लिखा हुआ है द ब्लैंक स्पेस एम्प्लॉइज डिडंट से अ वर्ड अगेंस्ट देयर बॉस, यानी कि जो दबे हुए किस्म जो दबकू किस्म के जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने कोई भी शब्द नहीं बोला अपने बॉस के खिलाफ। तो बताइए यहां पर ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए? मफल्ड। तो वाकई क्या हो जाएगा? द मफल्ड एम्प्लॉइज डिडंट से अ वर्ड अगेंस्ट देयर बॉस। अब चलिए वक्त हो गया है हमारे आज के सेकेंड वोकैबुलरी चैंपियन को देखने का, उनसे मिलने का। तो हमारे जो वोकैब चैंपियन सेकंड वो ये रहे आपके सामने, देखिए ये है मिस वैशाली राजपूत, और इनको हमारी महेंद्र गुरु की टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई। तो आइए चलते हमारे आज के 11वें वर्ड की ओर। देखिए ये रहा हमारा 11th वर्ड, ये है सेल्फलेसनेस। अब देखिए जो सेल्फलेसनेस है ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है अनसेल्फिश डिवोशन, हिंदी में कहे तो निस्वार्थता। तो जो सेल्फलेसनेस है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? निस्वार्थता। द सिनोनिम्स आर अल्ट्रुइज्म या फिर चैरिटी, यानी कि जो पर्यायवाची है इसके वो है अल्ट्रुइज्म या फिर चैरिटी। द एंटोनिम्स आर ग्रीड या फिर सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि जो विलोम शब्द है वो है ग्रीड या फिर सेल्फ इंटरेस्ट। अब देखिए यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, बहुत ही जाने बजाने सी हंसी है ये, और इनके संबंध में यहां पर लिखा हुआ है लेट भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज अ पिलर ऑफ ब्लैंक स्पेस। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो स्वर्गीय जो भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है ये निस्वार्थता के कह सकते हैं आप स्तंभ थे। तो बताइए यहां पर शब्द कौन सा आना चाहिए ब्लैंक स्पेस में? जी हाँ, इट शुड बी सेल्फलेसनेस। तो वाक्य क्या हो जाएगा? लेट भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज अ पिलर ऑफ सेल्फलेसनेस। आइए चलते हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है एक्मे। देखिए जो एक्मे है ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है द हाइएस्ट पॉइंट एज ऑफ अचीवमेंट और डेवलपमेंट, यानी कि जो हिंदी में कहे तो सर्वोच्च शिखर। तो जो एक्मे है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? सर्वोच्च शिखर। सिनोनिम्स आर अपोजी और कल्मिनेशन, यानी कि जो पर्यायवाची है वो है अपोजी या फिर कल्मिनेशन। The antonyms are bottom or nadir. Once again, जो इसके विलोम शब्द देखिए वो है bottom या फिर nadir. अब देखिए यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है he, यानी कि ये जो बंदा आपको दिख रहा है he reached the blank space of his career very soon. या अब बताइए ये जो हिंदी में हम कहना ये चाह रहे हैं इस वाक्य में कि ये जो भाई साहब है ये अपने करियर में या करियर के सर्वोच्च शिखर पे बहुत ही जल्दी पहुंच गए। तो बताइए ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर वर्ड कौन सा आना चाहिए? एक्मे। जी हाँ, तो वाक्य क्या हो जाएगा? He reached the acme of his career very soon. आइए चलते हैं हमारे आज के 13वें वर्ड की ओर। देखिए ये रहा हमारा 13वां वर्ड, ये है अफ्रे। जो अफ्रे है देखिए ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है नॉइजी क्वारल और ब्रॉल, हिंदी में दंगा या फसाद कह सकते हैं। तो जो अफ्रे है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? दंगा या फसाद। देखिए सिनोनिम्स है इसके वो है अल्टरकेशन या फिर फ्रैकस, यानी जो इसके पर्यायवाची है वो है अल्टरकेशन या फिर फ्रैकस। The antonyms are calm और peace, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है calm या फिर peace. Now here's an image for you, और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है the blank space stopped the traffic for some time, यानी कि ये तो फसाद हुआ यहाँ पर, इसकी वजह से जो ट्रैफिक था जो यातायात था वो कुछ देर के लिए रुक गया। अच्छा बताइए यहाँ ब्लैंक स्पेस में कौन सा वर्ड आना चाहिए? अफ्रे। तो वाक्य क्या हो जाएगा? The अफ्रे stopped the traffic for some time. आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए ये हमारा अगला शब्द, ये है जजून। तो जजून है ये एक एडजेक्टिव या फिर एक क्रिया है, इसका अर्थ है बोरिंग या फिर उबाऊ। तो जजून है ये एक क्या है? सॉरी एडजेक्टिव नहीं, सॉरी ये विशेषण है। तो जजून है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ है उबाऊ। तो सिनोनिम्स आर डल और अनइंटरेस्टिंग, यानी उसके पर्यायवाची है वो है डल या फिर अनइंटरेस्टिंग। नाउ द एंटोनिम्स आर एंथुजियास्टिक और एक्साइटिंग, यानी जिसके विलोम शब्द हैं वो है एंथुजियास्टिक या फिर एक्साइटिंग। अब देखिए यहां पर एक इमेज आपको दिख रही होगी, और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहां पर लिखा हुआ है गोल्फ इज अ ब्लैंक स्पेस गेम फॉर दीज कैंगरूज, यानी कि जो आपको ये कंगारू भाई साहब दिख रहे हैं इनके लिए जो गोल्फ जो चल रहा है पीछे वो बहुत ही उबाऊ खेल है। तो बताइए यहां पर वाक्य क्या होना चाहिए? सॉरी यहां पर शब्द कौन सा चाहिए वाक्य में? जी हाँ, ये हो जाएगा जजून। तो वाक्य हो जाएगा फिर गोल्फ इज अ जजून गेम फॉर दीज कैंगरूज। आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए ये हमारा अगला शब्द, ये है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी एक नाउन या फिर एक संज्ञा है,
इसका अर्थ है अफ्लुएंस या फिर समृद्धि। तो जो प्रॉस्पेरिटी है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? समृद्धि। तो सिनोनिम्स आर अबंडेंस या फिर रिचेस, यानी जो इसके पर्यायवाची है वो है अबंडेंस या फिर रिचेस। द एंटोनिम्स आर हेट और डिसलाइक, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है हेट या फिर डिसलाइक। अब देखिए यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहां पर लिखा हुआ है दिस प्लेस इज फुल ऑफ ब्लैंक स्पेस। तो यहां हम कहना यह चाह रहे हैं कि ये जगह है ये समृद्धि से पूर्ण है। अब बताइए यहां पर शब्द कौन सा चाहिए ब्लैंक स्पेस में? प्रॉस्पेरिटी। तो बाकी क्या हो जाएगा? दिस प्लेस इज फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आइए चलते हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो ये रहा आपके सामने, ये है कंपैटिबल। कंपैटिबल एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है कॉन्ग्रुअस या फिर अनुकूल। तो जो कंपैटिबल है देखिए ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है? अनुकूल। तो सिनोनिम्स आर हार्मोनियस या फिर सूटेबल, यानी जो इसके पर्यायवाची है वो है हार्मोनियस या फिर सूटेबल। अब जो इसके एंटोनिम्स है देखिए वो है एंटीपैथेटिक या फिर इनहार्मोनियस, यानी कि जो एंटोनिम्स है इसके वो है एंटीपैथेटिक या फिर इनहार्मोनियस। अब देखिए यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में एक बहुत ही गहरे सा यहां पर वाक्य लिखा हुआ है फिलर के फॉर्म में, वो ये है अ ब्लैंक स्पेस कपल रेजेस अ प्रॉस्पेरस फैमिली व्हिच होल्ड्स द की टू अ प्रॉस्पेरस सोसाइटी। यानी कि कहना ये चाह रहे हैं कि जो एक समृद्ध दंपत्ति होता है वो एक कह सकते हैं आप फलते फूलते परिवार को बढ़ावा देती है और जिससे कि जो हमारा समाज है वो भी समृद्ध होता है। अब बताइए यहां पर ब्लैंक स्पेस में वर्ड कौन सा आना चाहिए? कंपैटिबल। जी हाँ, तो बाकी क्या हो जाएगा? अ कंपैटिबल कपल रेजेस अ प्रॉस्पेरस फैमिली व्हिच होल्ड्स द की टू अ प्रॉस्पेरस सोसाइटी। आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए ये रामा अगला शब्द ये है बेनफुल। जो बेनफुल है ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है कॉजिंग हार्म। अगर हम बात करें इसके हिंदी शब्द अर्थ की तो वो है नुकसानदायक। तो जो बेनफुल है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है? नुकसानदायक। तो सिनोनिम्स आर बेलफुल या फिर मेलेफिक, यानी जो इसके पर्यायवाची है वो है बेलफुल या फिर मेलेफिक। द एंटोनिम्स आर एडवांटेजियस या फिर लकी, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है वो है एडवांटेजियस या फिर लकी। अब यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में यहां पर लिखा हुआ है ब्लैंक स्पेस इंटेंशंस कॉज हार्म एंड इंक्रीज प्रॉब्लम्स इन अ रिलेशनशिप। तो जो नुकसानदायक जो इच्छाएं होती हैं, जो इंटेंशंस होती हैं, वो कह सकते हैं आप कि नुकसानदायक हैं, तो इसीलिए नुकसान पहुंचाती हैं और रिश्तों के बीच में दिक्कतें भी पैदा करती हैं। तो बताइए यहां पर वर्ड कौन सा आना चाहिए ब्लैंक स्पेस में? बेनफुल। सेंटेंस क्या हो जाएगा? बेनफुल इंटेंशंस कॉज हार्म एंड इंक्रीज प्रॉब्लम्स इन अ रिलेशनशिप। तो आइए चलते हैं हमारे आज के 18वें वर्ड की ओर। देखिए ये हमारा आज का 18th वर्ड, ये है स्पोरैडिक। स्पोरैडिक एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है हैपनिंग इंटरमिटेंटली या फिर यत्रतत्रिक। तो जो स्पोरैडिक है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है? यत्रतत्रिक। सिनोनिम्स आर रैंडम या फिर इररेगुलर, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है वो है रैंडम या फिर इररेगुलर। द एंटोनिम्स आर रेगुलर या फिर कंटिन्यूअस, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है रेगुलर या फिर कंटिन्यूअस। अब यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहां पर लिखा हुआ है द ब्लैंक स्पेस पार्किंग हैम्पर्स ट्रैफिक। द ब्लैंक स्पेस पार्किंग हैम्पर्स ट्रैफिक, इसका अर्थ ये है कि जो यत्र तरीके से लोग पार्क कर देते हैं गाड़ी, उससे जो यातायात होता है उसको काफी नुकसान पहुंचता है और वो रुक सा जाता है कुछ देर के लिए। तो बताइए यहां पर शब्द कौन सा आना चाहिए ब्लैंक स्पेस में? स्पोरैडिक। तो वाक्य क्या हो जाएगा? द स्पोरैडिक पार्किंग हैम्पर्स ट्रैफिक। द स्पोरैडिक पार्किंग हैम्पर्स ट्रैफिक। आइए चलते हैं हमारे आज के 19वें वर्ड की ओर। देखिए ये हमारा 19वां वर्ड, ये है गोड। जो गोड है देखिए ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका अर्थ है एनीथिंग दैट एक्ट्स एज अ स्पर और इंसाइटमेंट, हिंदी में कहे तो प्रेरक। तो जो गोड है ये एक क्रिया है, इसका अर्थ क्या है? प्रेरक। तो सिनोनिम्स आर एनकरेज या फिर अर्ज, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है एनकरेज या फिर अर्ज। द एंटोनिम्स आर डिस्करेज या फिर डिसवेड, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है वो है डिस्करेज या फिर डिसवेड। अब यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में हमने लिखा हुआ है वी डोंट नो व्हाट ब्लैंक स्पेस द एलिफेंट। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये नहीं पता कि किस चीज से प्रेरणा लेकर ये जो हाथी था ये ऐसे भड़क गया। तो बताइए यहां पर वाक्य क्या होना चाहिए? वी डोंट नो व्हाट ब्लैंक स्पेस द एलिफेंट में जो शब्द क्या हो जाएगा? गोडेड। तो वाक्य क्या हो जाएगा? वी डोंट नो व्हाट गोडेड द एलिफेंट। ओके आइए चलते हैं हमारे आज के अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा हमारा आज का अगला शब्द, ये है रेप्लिका। जो रेप्लिका है ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है एन एग्जैक्ट कॉपी, हिंदी में कहे तो प्रतिलिपि। अब देखिए जो सिनोनिम्स है इसके वो है रिप्रोडक्शन या फिर कॉपी, यानी जो इसके पर्यायवाची है वो है रिप्रोडक्शन या फिर कॉपी।
The antonyms are original or real, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है original या फिर real. अब यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में हमने आप पर वाक्य लिखा हुआ है फिगर फॉर्म में, these are blank space of the Olympic medals. कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो आपको दिख रहे हैं ये बस एक प्रतिलिपि है असली ओलंपिक मेडल्स की. तो बताइए, हमने यहाँ पर बस आपको एक प्रतिलिपि का दृश्य दिखाया है. तो बताइए यहाँ पर शब्द कौन सा आना चाहिए, what should be sentence? With filling the blank space filler, it should be replica in there, and the sentence should be, these are replicas of the Olympic medals that we showed you here. आइए चलते हैं हमारे आज के जो तीसरे और आखिरी वोकैब चैंपियन है उनकी ओर. अब देखिए, ये है हमारे आज के फाइनल वोकैब चैंपियन ऑफ द डे. इनका नाम है मिस्टर अनिकेत कांबले. तो इनको महिंद्रा ग्रुप की टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं. आइए हम चलते हैं आगे हमारे अगले शब्द की ओर, साथ ही में जिसमें कि अंत में हम लोग देख पाए कि आज का चैलेंज क्या होगा. अब देखिए, ये हमारा 21st वर्ड है, ये है ट्रूस. ट्रूस एक नाउन या फिर एक संज्ञा है. इसका अर्थ है एन अग्रीमेंट ऑफ पीस, हिंदी में कहें तो युद्ध विराम. तो जो ट्रूस है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है, युद्ध विराम. सिनोनिम्स आर आर्मिस्टाइस और डिटेंटे, यानी कि जो उसके पर्यायवाची है वो है आर्मिस्टाइस या फिर डिटेंटे. द एंटोनिम्स आर डिसएग्रीमेंट या फिर परसिस्टेंस, यानी जो इसके विलोम शब्द हैं वो है डिसएग्रीमेंट या फिर परसिस्टेंस. अब यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहां पर लिखा हुआ है, एन ब्लैंक स्पेस इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द आर्म्ड फोर्सेस, यानी अ ब्लैंक स्पेस इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द आर्म्ड फोर्सेस. बताइए यहां पर शब्द कौन सा आएगा ब्लैंक स्पेस में. ओके, वो ये जानने के बाद समझ लीजिए कि कहना ये चाह रहे हैं कि जो फोर्सेस आपको दिख रही है उनके साथ उनके बीच में युद्ध विराम चल रहा है, या कह सकते हैं आप कि युद्ध विराम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये आर्म्ड फोर्सेस. तो आप बताइए यहां पर शब्द कौन सा आना चाहिए, ट्रूस. तो वाक्य हो जाएगा, अ ट्रूस इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द आर्म्ड फोर्सेस. आइए चलते हैं हमारे आज के अगले शब्द की ओर. देखिए, ये हमारा आज का अगला शब्द, यह है रिकैल्सिट्रेंट. तो रिकैल्सिट्रेंट है ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है. इसका अर्थ है हैविंग एन ऑब्स्टिनेट एटीट्यूड, हिंदी में कहे तो उद्दंड. तो recalcitrant है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है, उद्दंड. तो synonyms are disobedient या फिर arrogant, यानी जो इसके पर्यायवाची है वो है disobedient या फिर arrogant. The antonyms are compliant या फिर agreeable, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है compliant या फिर agreeable. अब देखिए यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहां पर फिलर दिया हुआ है, द ब्लैंक स्पेस डॉग इग्नोर द स्कोल्डिंग ऑफ हिज मास्टर, यानी कि ये जो आपको उद्दंड किस्म का कुत्ता दिख रहा है इसने अपने मास्टर की जो डांट थी उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया. तो बताइए यहां पर ब्लैंक स्पेस से कौन सा वर्ड आना चाहिए, रिकैल्सिट्रेंट. तो वाक्य क्या हो जाएगा, द रिकैल्सिट्रेंट डॉग इग्नोर द स्कोल्डिंग ऑफ इट्स मास्टर. आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर. देखिए, ये रहा हमारा अगला शब्द, ये है क्वीजी. जो क्वीजी है ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है स्लाइटली वरिड या फिर व्याकुल. तो जो क्वीजी है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है, व्याकुल. सिनोनिम्स आर फिजिटी या फिर स्क्वीमिश, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है वो है फिजिटी या फिर स्क्वीमिश. द एंटोनिम्स आर कंटेंट या फिर हैप्पी, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है कंटेंट या फिर हैप्पी. अब यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहां पर लिखा हुआ है, द ब्लैंक स्पेस पेट वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी इट्स मास्टर. अब द ब्लैंक स्पेस पेट वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी इट्स मास्टर में हम कहना यह चाह रहे हैं कि ये जो व्याकुल सा पेट था ये बहुत ही खुश था अपने मास्टर को देखकर. तो बताइए यहां पर शब्द कौन सा चाहिए ब्लैंक स्पेस में, क्वीजी. तो वाक्य क्या हो जाएगा, द क्वीजी पेट वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी इट्स मास्टर. आगे चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर. देखिए, ये रहा अगला शब्द, ये है कॉन्क्लेव. कॉन्क्लेव एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है मीटिंग या फिर सभा. तो सिनोनिम्स आर कन्फैब या फिर असेंबली, जो इसके देखिए पर्यायवाची है वो है कन्फैब या फिर असेंबली. द एंटोनिम्स आर ओपननेस या फिर इंडिविजुअल्स. आप देखा जाए तो यहां पर जो देखिए ये विलोम शब्द है ये ओपननेस या फिर इंडिविजुअल, ये कह सकते हैं आप कि सॉलिडारिटी भी हो सकता है यहां पर, कि वो अकेले बंद रहे या उस टाइप से रहता है. तो मतलब जिसमें सभा ना हो, कोई अकेले बंद से मीटिंग कर रहा हो. तो जो ओपननेस या इंडिविजुअल है वो इसके कह सकते हैं आप एंटोनिम्स हैं. अब यहां पर आपको एक वाक्य दिख रहा होगा और इस वाक्य में हमने लिखा हुआ है इस इमेज के संदर्भ में, द ब्लैंक स्पेस वॉज अटेंडेड बाय मेनी डेलीगेट्स, यानी कि ये जो सभा थी ये बहुत लोगों के द्वारा अटेंड की गई थी. तो बताइए इस ब्लैंक स्पेस में वर्ड कौन सा आना चाहिए, कॉन्क्लेव. तो वाक्य क्या हो जाएगा, द कॉन्क्लेव वॉज अटेंडेड बाय मेनी डेलीगेट्स. आइए चलते हैं हमारे आज के अगले शब्द की ओर. देखिए, ये रहा हमारा आज का अगला शब्द, ये है सर्विट्यूड. जो सर्विट्यूड है ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है स्लेवरी या फिर गुलामी. तो सिनोनिम्स आर बॉन्डेज और सर्वडम, यानी जो इसके पर्यायवाची है वो है बॉन्डेज या फिर सर्वडम. द एंटोनिम्स आर
मास्टरी या फिर बॉस, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है वो है मास्टरी या फिर बॉस। अब यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और बहुत ही दुखदायक इमेज है वैसे, और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहां पर लिखा हुआ है ब्लैंक स्पेस वॉज कॉमन इन एंशियंट टाइम्स, यानी कि अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में गुलामी बहुत ही आम बात थी। तो बताइए इस ब्लैंक स्पेस में वर्ड कौन सा आना चाहिए? सर्विट्यूड। तो वाक्य क्या हो जाएगा? सर्विट्यूड वॉज कॉमन इन एंशियंट टाइम्स। आइए चलते हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है वेड। वेड एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका अर्थ है प्लॉड ऑफन थ्रू वॉटर, हिंदी में कहें तो पार करना। तो जो वेड है देखिए ये एक क्रिया है, इसका अर्थ क्या है? पार करना। तो सिनोनिम्स आर लंब और ट्रज, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं वो है लंब या फिर ट्रज। द एंटोनिम्स आर अवॉइड और डॉज, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है वो है अवॉइड या फिर डॉज। अब यहां पर देखिए आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहां पर लिखा हुआ है वाक्य, द रेजिडेंट्स ब्लैंक स्पेस थ्रू फ्लड वाटर्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज। द रेजिडेंट्स ब्लैंक स्पेस थ्रू फ्लड वाटर्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज। अब यहां कहना यह चाह रहे हैं कि जो रेजिडेंट्स हैं, जो यहां पर लोग रहते हैं, उनको बाढ़ के पानी के मध्य से तो पार करके बहुत सारी अपने कार्य करने में तो काफी दिक्कतें होती होती हैं। तो बताइए यहां पर ब्लैंक स्पेस में वर्ड कौन सा चाहिए? वेट। तो वाक्य क्या हो जाएगा? द रेजिडेंट्स वेट थ्रू फ्लड वाटर्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज। अब आइए चलते हमारे आज के अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा हमारा अगला शब्द, यह है रिजॉर्टेड। रिजॉर्टेड ए वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका अर्थ है मेक यूज ऑफ या फिर प्रयोग करना। तो जो रिजॉर्टेड है ये एक क्रिया है, देखिए इसका अर्थ क्या है? प्रयोग करना। सिनोनिम्स आर अप्लाइड और एक्सरसाइज, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है वो है अप्लाइड या फिर एक्सरसाइज। द एंटोनिम्स आर एब्सटेन और हॉल्ट, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है वो है एब्सटेन या फिर हॉल्ट। अब यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, बहुत ही फेमस सी इमेज है ये, और इसके संदर्भ में लिखा हुआ है द प्राइम मिनिस्टर ब्लैंक स्पेस टू ह्यूमर व्हाइल आंसरिंग सम स्टूपिड क्वेश्चंस। अब यहां पर कहना यह चाह रहे हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री थे उन्होंने थोड़ा मजाकिया तरीके से जवाब दिया कुछ बेवकूफी भरे सवालों का। अब बताइए यहां पर ब्लैंक स्पेस में वर्ड कौन सा आना चाहिए? शुड बी रिजॉर्टेड। तो वाक्य क्या हो जाएगा? द प्राइम मिनिस्टर रिजॉर्टेड टू ह्यूमर व्हाइल आंसरिंग सम स्टूपिड क्वेश्चंस। आइए चलते हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है इनकैंडेंसेंट। अब देखिए ये जो इनकैंडेंसेंट है ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है ग्लोइंग या फिर चमकना। तो जो इनकैंडेंसेंट है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है? चमकना। तो सिनोनिम्स आर ल्यूमिनस या फिर शाइनिंग, यानी जो इसके पर्यायवाची है वो है ल्यूमिनस या फिर शाइनिंग। द एंटोनिम्स आर डार्क और डिम, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो डार्क या फिर डिम। अब यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहां पर लिखा हुआ है द ब्लैंक स्पेस फिलामेंट लुक्स ब्यूटीफुल, यानी कि ये जो चमकता हुआ जो फिलामेंट दिख रहा है ये बहुत ही शानदार लग रहा है। तो बताइए यहां पर ब्लैंक स्पेस में वर्ड कौन सा आएगा? इनकैंडेसेंट। अब बताइए बाकी क्या हो जाएगा? द इनकैंडेसेंट फिलामेंट लुक्स ब्यूटीफुल। ओके आइए चलते हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा हमारा अगला शब्द, ये है राबल या फिर एक नाउन। इसको कह सकते हैं आप नाउन, सॉरी वर्ड राबल है, नाउन या फिर संज्ञा है, इसका अर्थ है मॉब या फिर भीड़। तो जो राबल है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? भीड़। तो सिनोनिम्स आर क्राउड या फिर गैंग, यानी कि उसके पर्यायवाची है वो है क्राउड या फिर गैंग। द एंटोनिम्स आर अलोन या फिर वन, यानी कि जो इसके विलोम शब्द है वो है अलोन या फिर वन, ये कह सकते हैं आप अकेला भी। अब बताइए यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी भाई, और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहां पर लिखा हुआ है We took the best decision for the blank space. यानी कि भीड़ को देखते हुए या भीड़ के लिए हमने सबसे अच्छा डिसीजन लिया। अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में वर्ड कौन सा होना चाहिए? रैबल। तो पूरा वाक्य क्या हो जाएगा? We took the best decision for the rabble. अब चलते हैं हमारे आज के आखिरी शब्द की ओर, जिसके बाद हम देख पाएंगे कि आज का वो क्या चैलेंज क्या है। अब ये रहा हमारा आज का आखिरी वर्ड, ये है स्क्वीमिश। स्क्वीमिश एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है फिनिकी या फिर नकचड़ी, कह सकते हैं आप नकचड़ा भी। ओके तो जो स्क्वीमिश है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ है नकचड़ी या फिर नकचड़ा। तो सिनोनिम्स आर फसी और क्वीजी, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है वो है फसी या फिर क्वीजी। द एंटोनिम्स आर अनडिमांडिंग और विलिंग, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है अनडिमांडिंग या फिर विलिंग। अब यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहां पर लिखा हुआ है द ब्लैंक स्पेस बेबी डिडंट लाइक द गिफ्ट, यानी कि जो नचड़ा किस्म का जो ये बच्चा था इसको अच्छा नहीं लगा गिफ्ट। अब बताइए यहां पर ब्लैंक स्पेस में वर्ड कौन सा आ जाएगा? स्क्वीमिश। तो वाक्य क्या हो जाएगा? द स्क्वीमिश बेबी डिडंट लाइक द गिफ्ट। अब आज के जो वोकैब चैलेंज हम चलते हैं उसकी ओर। अब ये रहा हमारा आज का वोकैब चैलेंज ऑफ द डे। ये इमेज वैसे बहुत ही कॉमन है, ये आपने अक्सर सोशल मीडिया पे देखी होगी। अब देखिए वर्ड था सल्फेट,
सरफीन जो कि एक एडजेक्टिव या फिर विशेषण है, इसका अर्थ है द स्टेट ऑफ बीइंग मोर देन फुल, हिंदी में कहें तो अति। अब आपको जो दिया हुआ सिनोनिम है वो है एक्सेस, जो दिया हुआ एंटोनिम है वो है लैक, जो दिया हुआ यूजेज है उसमें लिखा हुआ है द सरफीट अमाउंट ऑफ लोड कैन ओवरटर्न द व्हीकल। आपको ये बताना है ये जो ब्लैंक स्पेस है सिनोनिम में और एंटोनिम में यहां पर कौन से शब्द आने चाहिए, यानी कि जो हमारा पिछला वो क्या सेशन था उसमें हमने जो आपको सिनोनिम एंड एंटोनिम बताए थे जो कि यहां पर नहीं है, आपको वो हमको बताना है जिससे कि आप बन सकते हैं हमारे वो क्या चैंपियन अगले सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का जो वीडियो था ये आपको बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस।